बेचने का, बिकने का क्या रेट में बिकेगा, आप कैसे बेचेंगे, आप घर के लिए कहां से खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, पूरी जानकारी। वंदे मातरम, मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने ओरवॉइस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज पहुंच गया हूं एक नई इंडस्ट्री, एक नई कंपनी, एक नया प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट क्या है? वो है बेंत से बनने वाले सोफे, बेंत से बनने वाले चेयर, टेबल, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। आज उस फैक्ट्री में है, फैक्ट्री को हम दिखाते हैं यहाँ क्या क्या बनता है। कुछ जो यहाँ के मिस्त्री हैं उनसे भी मिलवाएंगे, उनसे भी बात कराते हैं आप लोगों की। तो देखिए, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार, तो संतोष जी कहाँ के रहने वाले हैं? गया जिला। गया के हैं और यहाँ पे काम करते हैं? हाँ। कितना तनख्वाह मिल जाता है आपको यहाँ? 12,000। 12,000। कितना देर काम करना पड़ता है? 12 घंटा। 12 घंटा का 12,000। चलिए ठीक है, ये सब आप ही बनाते हैं? ये सब कुछ आप बनाते हैं? तो दिखाते हैं हम आपको यहाँ से कि बेंत का क्या क्या बनता है और आपको यहाँ से क्या बेनिफिट मिलने वाला है। गाइस, पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। या तो मेरे हर वीडियो में आपको पता है, या तो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी, या हो सकता है कि आप कस्टमर होंगे, तो कस्टमर बन के यहाँ से क्या लाभ ले सकते हैं। हर वीडियो का मेरा मोटिव यही होता है और यहाँ पे भी इस वीडियो का मोटिव यही है कि हम आपको कुछ नई इंडस्ट्रीज, नई चीज के बारे में जानकारी दें और उसके बारे में मिलवाएं। तो थोड़ा हमको बताइए, बेंत से बनने वाला क्या क्या सामान बनता है यहाँ पर? आपका यहाँ रॉकिंग चेयर मिलेगा। रॉकिंग चेयर? हाँ। अच्छा, दूसरा मिलेगा सोफा मिलेगा। रॉकिंग चेयर कौन सा दिखा? ये देखिए। अच्छा, ये है रॉकिंग चेयर। ये है रॉकिंग चेयर, ठीक है। ये रॉकिंग चेयर मतलब ये अप डाउन होता है, इसलिए रॉकिंग चेयर इसका नाम है। ये है सोफा। उसके बाद ये क्या है? ये है सोफा, ठीक। और झूला देख लीजिए। झूला कहाँ है? ये झूला है, ये आप लोग ही बनाते हैं? ये सारा प्रोडक्ट आप ही लोग बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं। अच्छा अच्छा, ये झूला हो गया, ठीक है। और झूला हो गया, स्टूल हो गया। ये हो गया स्टूल, स्टूल हो गया, ठीक। और ये क्या है? ये है बच्चे का झूला, ठीक। ये बनता कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग को जानकारी दीजिए कि बनाते कैसे हैं आप लोग, बताइए। आप लोग भी आइए। गैस से गर्म करके इसको बेंट करते हैं हम लोग। गैस से गर्म करते हैं? तो गैस तो अभी आया 10-15 साल से, तो पहले कैसे होता था? पहले स्टोव चलता था, ब्लू लैंप होता था। अच्छा, किरासिन तेल से, केरोसिन वाला जो स्टोव होता था, होता उससे आप लोग बनाते थे। और अभी मतलब इसको मोड़ने के लिए थोड़ा आसान हो गया, गैस आ गया। तो थोड़ा सा हमको दिखाइए ना, जला के कैसे बनता है। इस पूरा बेंत का कारखाना में हम आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाइए, यहाँ पे देखिए गैस का जो काम है, ये कैसे इसको जला के कैसे फोल्ड होता है, कैसे इसको मोड़ते हैं। तो बने रहिएगा गाइस, वीडियो में दिखाते हैं हम आपको कि कैसे बनता है बेंत का सोफा, बेंत का चेयर, जो भी चीज बनता है वो कैसे उसको मोड़ते हैं और कैसे उसको बनाते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है अभी ये क्या हो रहा है अभी? ये अभी मोड़ैया होगा ये। अच्छा, से ये फ्रेम है। अच्छा, इसको गर्म करके आप चाहें जैसे भी मोड़ सकते हैं। अच्छा, बगैर गरम करे हुए आप ये नहीं मुड़ेगा, मतलब गरम नहीं करेंगे तो नहीं मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा। अच्छा ठीक है, थोड़ा मोड़ के दिखाइए। तो अब इसे कोई जैसे डिजाइन सब मोड़ वाला किसी से बनाते हैं ऐसे है? हाँ हाँ। अच्छा, डिजाइन जितना भी है इसको सब मोड़ कर बनाया पड़ता है। अच्छा, कुछ भी डिजाइन बनाना हो, कैसे भी मोड़ना हो, तो गरम करिए और उसको मोड़ दीजिए। हाँ, गरम टूटेगा नहीं है? टूटेगा नहीं। अगर ये ठंडा रहेगा तो टूट जाएगा? हाँ, ठंडा होगा तो टूट जाएगा, गरम होगा तो नहीं टूटेगा। अच्छा, तो गाइस देखिए, आज हम आपको बेंत के कारखाने में लाए हैं। बेंत का कोई सामान कैसे बनता है उसके पूरे प्रोसेस को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी देखिए इस वीडियो को। अच्छा, ये मुड़ गया। हाँ, ये मुड़ गया, इसको आप एस बना दीजिए, एल बना दीजिए, जो बना दीजिए। अच्छा, इससे ऐसे डिजाइन बनता है? हाँ, ठीक है। और तो इसके अंदर फिर कालापन नहीं आता है? काला नहीं होगा? काला होगा, इसको चाकू से निकाल दिया जाता है। चाकू से निकाल दिया जाता है? हाँ। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा इनके पास, देखते हैं आप क्या कर रहे हैं। कुर्सी है? कुर्सी। कुर्सी बना रहे हैं? ये निशान लगा रहे हैं इसमें, उसका फिर क्या होगा? ठोकेंगे निशान से। अच्छा, और फिर काटने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं इसको? काटने के लिए जैसे जनरली बांस में क्या होता है, बांस को काटते हैं तो टूट जाता है, इसको काटते हैं तो नहीं टूटता है ये? नहीं, नहीं टूटेगा। अच्छा, ये दिखाइए। तो ये तो लोहा काटने वाला जो है, हेक्सा ब्लेड हो, हेक्सा फ्रेम है। तो बेंत भी काटते हैं इसको? तो बेंत भी इसी से कटता है? हाँ। अच्छा, तो लकड़ी काटने वाले से नहीं कटेगा ये? जैसे लकड़ी काटा जाता है आरी से,
उससे नहीं कटता है, नहीं कटता। अच्छा थोड़ा काट के भी दिखाइए, इस पूरे प्रोसेस को हम दिखाना चाह रहे हैं लोगों को कि बेंत से कैसे सामान बनता है। अभी अब एक साइज नाप लिया, उसको अब काटेंगे। भरा हुआ होता है ना। अच्छा एक बात बताइए, जो लकड़ी का सोफा है या लोहा का सोफा है उसकी तुलना में बड़ा हल्का है और थोड़ा सा कमजोर जैसा ही है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। मतलब बताइए, अगर लकड़ी का सोफा चलता है 50 साल तो ये कितना साल चलेगा? 100 साल चलेगा, उससे ज्यादा चलेगा ये। नहीं, जैसे डिजाइनिंग है, देखिए अगर हम सोफे की बात करें ठोकते इतना पतला पे तो फटता नहीं है ये? नहीं फटेगा, नहीं फटेगा। अच्छा, और ये सब क्या है? डिजाइनिंग के लिए, ये सब डिजाइनिंग के लिए। तो ये जैसे वो तो जला नहीं रही, तो जल गया है इसमें, ये देखिए अंदर का जल गया है। तो फिर इसका इसको चाकू से छील देंगे? कैसे? मतलब थोड़ा सा दिखाइए उसको, पूरा हम दिखाना चाह रहे हैं लोगों को बेंत का सामान कैसे छील के कैसे डिजाइन उसको बनाते हैं। देखिए बेंत का हम कारखाने में आपको हम दिखा रहे हैं कि बेंत से कैसे कैसे डिजाइन बनता है। देखिए इसको छीलना पड़ेगा, है ना? दिक्कत हो जाता है। तो लकड़ी कमजोर नहीं होता है? नहीं। गाइस देखिए यहाँ पे उसको छील करके बिल्कुल उसी तरीके से, उसी ओरिजिनल तरीके से बना दिया इन्होंने जैसा कि ये बेंत था। जो जला हुआ पार्ट है, जला हुआ पोर्शन था, उसको इन्होंने यहाँ से छील दिया है। और छीलने के बाद अब देखिए बिल्कुल वैसे ही हो गया। ये तो पुराने जमाने का जो छत्ता होता था उस टाइप का हो गया ये। तो छतरी भी इसी का बनता था क्या? मुझे तो लग रहा है इसी का बनता था। अच्छा आइए अब आगे और कुछ और दिखाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है आपके पास? क्या कर रहे हैं? ये लकड़ी छोटा हुआ है उसको, तो ये शायद सोफा का पीछे का हिस्सा है, बैकरेस्ट। ये सामने का मेन है। अच्छा, ये सोफा है। अच्छा ऐसे ऐसे है ना। अच्छा तो जैसे कोई चीज छोटा हो गया तो जॉइंट लग जाता है? कैसे लगाते हैं जॉइंट? ठीक है, थोड़ा नजदीक से आइए, इसको दिखाइए पूरा नजदीक से आके इस चीज को कैसे जॉइंट लगता है। एक मिनट रुकिए, इस जॉइंट को हम दिखाना चाहते हैं कि अगर इस लकड़ी में जॉइंट कैसे लगाते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा हो गया ये वाला पोर्शन, तो जैसे ये छोटा हो गया तो इसमें जॉइंट कैसे लगेगा वो दिखाइए। इसको आधा काट दिए, हाँ, और नजदीक लाइए कैमरे को, बिल्कुल नजदीक से दिखाइए कि जैसे कैसे कट के जॉइंट हो रहा है, बताइए। अच्छा ये पोर्शन को दिखाइएगा। अच्छा जल्दबाजी नहीं आ रहा, करिए दिखाइए। तो
इसके अंदर फिर क्या कील मार देते हैं इसको? हाँ, लोग कील मार देते हैं। अच्छा, कील मार दिए, अब ये हो गया। क्या करेंगे इसको? इसको मोड़ देंगे। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये इस बेत का ही है ये? अच्छा, हम तो सोचे थे कुछ और है। ये मतलब बेत के लकड़ी के से जो बन रहा है, इसके अंदर पूरा बेत का ही सब कुछ है, कुछ अलग कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब इसमें क्या करिएगा? लपेट देंगे, मजबूती भी आ जाती है और ज्यादा। अच्छा, और ये अच्छा भी दिखता है। तो फिर तो दूसरे में भी लगाना पड़ेगा, दूसरे पोर्शन में। ये लकड़ी और उधर अगर बराबर है तो ये कमजोर नहीं पड़ेगा? नहीं, कमजोर नहीं हो रहा। नहीं पड़ेगा सर, इसमें इतना सपोर्ट पड़ेगा, कमजोर नहीं। तो चिपकाने के पास नहीं है अभी इसको? अभी फेविकोल कोल डाल देते हैं जब दुकान पे हमारा, जब ये माल जाता है ना। हाँ, वहाँ पे फेविकोल डालता है ताकि ये पादरी निकले नहीं। अच्छा, वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ हम एक फैक्ट्री दिखा रहे हैं जहाँ की ये कैसे बनता है केन का सामान, कैसे बनता है बेत से सोफा पलंग और हर चीज बनता है इससे। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम आपको ये दिखा पाए कि केन से या बेत से कोई भी चीज कैसे बनता है। इसके बाद हम इसके बाद चलेंगे इनके शॉप के ऊपर, वहां हम आपको दिखाएंगे क्या क्या प्रोडक्ट ये बेचते हैं, यहाँ से जुड़ के आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, आगे चल के आप अपना बिजनेस कैसे कर पाइएगा, उस सबके लिए हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ दिखाने का प्रोसेस ये था कि बेत से बना हुआ कोई सामान कैसे बनता है वो कोई दिखाता नहीं है, किसी ने अभी देखा नहीं, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में ओवरऑल करा दूं कि कैसे बनता है बेत की लकड़ी से इतना खूबसूरत सोफा पलंग चेयर टेबल सीट। तो चलिए आगे चलते हैं, ये बेत कैसा होता है वो भी दिखाते हैं हम आपको। तो गाइस चलते हैं हम आगे, अभी हम दिखा के लाते हैं लकड़ी बेत का। ये देखिए बेत होता क्या है, ये बिल्कुल गन्ने की तरह लकड़ी है, जैसे गन्ना का लकड़ी होता है सेम वही लकड़ी उसी तरीके का, और इसी से बनाते हैं। इसका कितना साइज होता है, सबसे लंबा साइज जो होता है कितना होता है? अभी लंबा साइज 12-13 फीट का आता है। 12-13 फीट का, उसी फिर एडजस्ट करके नहीं है तो उसको काट के जोड़ के उसको बना लेते हैं। अच्छा, और हल्का भी काफी होता है, जैसे ये सब मोड़ मोड़ के उसको डिजाइन बना के रखे हैं, है ना, ये सब डिजाइन है, और ये कालापन इसको खींच के इसको बराबर कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे रखा और इसी से बनता है। ये आता कहाँ से है? कलकत्ता से आता है। जैसे मैं कभी आसाम में बहुत समय बिताया हुआ हूँ जिंदगी का, तो आसाम में इसका खेती होता है। आसाम में खेती होता है, वहाँ से सारा माल कलकत्ता आता है, कलकत्ता से। अच्छा, कहने का मतलब वहाँ पे खेती होता है, फिर कलकत्ता में इसका गोडाउन है और वहाँ से आपको ला के इसको बना के फिर ये मतलब फैक्ट्री हो गया यहाँ से बना के और फिर वहाँ जाकर बेचते हैं। ठीक। तो यहाँ पे दिखाया मैंने इस वीडियो में आपको कि बेत की लकड़ी से कैसे सामान बनता है और कितना हल्का होता है, कैसे इसको मोड़ते हैं, कैसे इसको जोड़ते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस ये वीडियो आपको आया होगा पसंद, क्योंकि बेत से बनाने वाली लकड़ी या बेत से कैसे सामान बनता है आपने बहुत चीज़ देखा होगा, लेकिन ये नहीं देखा होगा कि बन कैसे रहा है। इसलिए मैंने आज गाइस आपको ये वीडियो दिखाया, इसका ना और भी कुछ देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर, कितने खूबसूरत सामान है। ये क्या है? बैठने के लिए स्टूल है। स्टूल है, ठीक है। कितना रेट होता होगा, रेट का जानकारी है आप लोगों को? 800-1000 रुपये। ये कितना खूबसूरत है, बेत से बना हुआ, सब हाथ से कारीगरी का, सब हाथ से है, बड़ा अद्भुत चीज़ें। देखिए गाइस कितना बढ़िया है, मतलब डिजाइन। इसका कलर भी होगा, पेंट भी होता है, पॉलिश होगा। अच्छा अच्छा,
सोफा बनेगा। चलिए आगे चलते हैं और भी इनको इनके पास दिखाते हैं कुछ इनके सामान क्या क्या बने हुआ है और कैसे कैसे बना रहे हैं। तो देखिए ये जो था ये वो है जिसको कि इन्होंने गैस से मोड़ा, मोड़ने के बाद ये जो बचा हुआ उसका पार्ट है जो कालापन था उसको घिस के छील दिया, इसको मतलब ये बराबर कर दिया। तो अब ये लग नहीं रहा है कि ये मोड़ा है या कालापन था इसके अंदर। उसके बाद हमने आपको दिखाया गैस कि ज्वाइंट कैसे होता है, एक पार्ट को दूसरे से अगर छोटा था उसको काट के इन्होंने जोड़ दिया है और उसको बिल्कुल रेडी कर दिया है। आगे देखते हैं ये क्या क्या है। ये क्या है भाई साहब? कलर भी करना होगा इसका, पॉलिश करना होगा, है ना? पॉलिश करने के बाद ही एकदम रेडी हो जाएगा। जैसे इसका ये कालापन है ये पॉलिश से खत्म हो जाएगा। ये हो गया, ये उसका साइड हो गया, ये स्टूल हो गया और इधर से झूला हो गया। ये सब मतलब कुछ भी आइटम जो बनता है वो मतलब हर आइटम आप बना सकते हैं। लगभग केन से कितना आइटम बनता है? केन से हर आइटम बनता है। जो लकड़ी से बनता है वो सारा चीज केन से बनता है, एकदम हर चीज भी लगता है काफी। अच्छा अच्छा, जो है तो बहुत खूबसूरत। और इनका बताना ऐसा है कि जो चीज़ लकड़ी अगर 50 साल चलेगा तो ये 100 साल चलेगा। इतना तो मुझे नहीं लगता मजबूती जैसे है ज्वाइंट में कुछ कम हो सकता है, लेकिन हाँ ये सड़ता करता घूम लगता है इसके अंदर। क्या नहीं लगता है इसमें? एक पूरी है कि घूमने लगता है। अच्छा अच्छा, और हल्का भी है? हल्का होता है, कहीं भी आप उठा के ले जा सकते हैं अकेला। हाँ हाँ, ले जाके बैठिए। खूबसूरती तो खैर कहना ही नहीं है, लाजवाब है खूबसूरती। देखिए कितना हाथों के कारीगर है ये। एक बार बैठ के देखता हूँ गाइस, आप बताना कैसा लग रहा है। भाई गिरूंगा तो नहीं? गिरूंगा तो नहीं। अच्छा अच्छा, ओहो बड़ा आनंद आ रहा है गाइस। देखिए कितना बढ़िया है ये, क्या बोलते हैं इसको, रॉकिंग चेयर। ये देखिए रॉकिंग चेयर है भाई, ये तो डर लग रहा है कहीं गिर ना जाए पीछे। हाँ कितना रिलैक्स बिल्कुल। तो गाइस यहाँ तक हमने आपको वीडियो में दिखाया है कुछ कारीगर कलाकार जिसको बोलते हैं, ये तो सब लोग मिलजुल के ये बेत का काम करते हैं। ये है बेत का कारखाना, देखिए कितना बढ़िया कारखाना है, क्या क्या बन रहा है, आपको हमने सब कुछ दिखाने की कोशिश किया है। इसके बाद अगला जो वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि आप बेत का काम कैसे होता है से आगे, बेत का आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं, बेत का सोफा आप कैसे बेच सकते हैं अपने स्टोर अपने दुकान से, और साथ ही साथ ये बताएंगे कि अगर आपको घर के लिए ज़रूरत है किसी जगह पे भी रहते हैं तो उसके लिए आप कहाँ कैसे खरीद सकते हैं और डायरेक्ट कैसे एक मैन्युफैक्चरर से ये ले सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको आया होगा पसंद, और वीडियो आ रहा है पसंद तो करते रहिए लाइक, चैनल को करिएगा शेयर भी और साथ साथ सब्सक्राइब भी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय।